जीएसटी में लेकर के बहुत सारी अमेंडमेंट्स रेगुलर आती रहती हैं, जीएसटी पोर्टल अनाउंस होता रहता है चीजें कि हाँ आज ये अमेंडमेंट है, आज ये अमेंडमेंट आई हुई है। और रेगुलर बेसिस पे मैं आपके जीएसटी से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अभी तक बना चुका हूँ, और आज भी ये वीडियो जीएसटी से रिलेटेड ही अपडेट से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। कि अगर पहले क्या होता था कि आप मिस्टेक्स करते थे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी बहुत ज्यादा ही मिस्टेक होती थी, मींस वो डिफरेंट जाती थी, कुछ डेटा जो था वो जीएसटीआर 1 में होता था और उसी का जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट डेटा जीएसटीआर 3 भी में फेल हो जाता था, बाई मिस्टेक हो जाता था या फिर जानबूझ के डाला जाता था पेमेंट की वजह से। उस चीजों को हटाने के लिए जीएसटी पोर्टल की एक अमेंडमेंट है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपको होती है, मींस जीएसटी से रिलेटेड जो मैं जितनी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हुई वो, या फिर इन फर्दर आपको कहीं भी जरूरत पड़ती है कि हाँ कोई भी क्वेरीज आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर आरओसी से रिलेटेड आपको होती है, तो आप #workwithranjan के साथ यूज कर सकते हैं। उसमें आप हमें क्वेरी कर सकते हैं, वो टैग आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टैक्स फॉर वेल्थ के यूट्यूब चैनल पे और टैक्स फॉर वेल्थ के सारे प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, ranjan.pathak@kgsm.in। इस मेल आईडी पे भी आप मुझे पर्सनली रीच कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सुइटेबली आपके क्वेरी का आंसर कर पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ एक छोटी सी अपडेट के लेकर के, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी जीएसटी में। मेन चेंजेस जो सबसे बड़ा आया हुआ है वो ये है कि हम मंथली या क्वार्टरली जैसे भी जीएसटीआर 1 भरते थे, मेनली मंथली की मैं बात करूंगा, कि मंथली हम जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करते थे, तो पहले हम कभी कभी पेमेंट पहले फाइल कर देते थे, कभी कभी हम जीएसटीआर 1 पहले फाइल कर देते थे। बट अब एक ऑप्शन ये इनेबल किया गया है कि आप जीएसटीआर 1 में सेल का डेटा दिखाइए, आप सेल की डिटेल्स डाल दीजिए कि क्या क्या आपने सेल करी हुई, आपका मींस रजिस्टर्ड सेल है या फिर आपने लोकल सेल करी हुई, जैसी भी सेल आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, नल रेटेड है, जीरो रेटेड है, जो भी चीज है वॉट एवर, उन चीजों को आप शो करिए। उसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे ईवीसी के थ्रू, डीएससी के थ्रू या जैसे भी आप उसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद कंप्यूटर जनरेटेड एक ड्राफ्ट मिलेगा जिसके जीएसटीआर 3B में जो शो होगा, मींस उसके जस्ट बाद अब आप जीएसटीआर 3B भर सकते हैं, जो कि आपकी सारी आउटवर्ड सप्लाई को जीएसटीआर 1 से उठा के जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट कर देगा। उसमें कई सारे कॉलम्स होंगे, जैसे सपोज मैं एक कॉलम्स की बात करता हूँ कि आउटवर्ड सप्लाईज आपने कितनी की है, लाइक जो जीरो रेटेड नहीं है, अदर देन जीरो रेटेड मींस सप्लाई जो टैक्सेबल है, वो सप्लाई आपकी जीएसटीआर 1 से हट करके आपकी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कॉलम में। ऐसे ही जीरो रेटेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपने जीएसटीआर 1 में एंटर की हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। जीएसटी पोर्टल ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप उसे वेरीफाई करें अपने एंड से क्या चीजें सही है, और उस चीजों को वेरीफाई करने के बाद आप डायरेक्टली उसे सबमिट कर सकते हैं, आप उनके ड्राफ्ट पे पूरा बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज वो वही डेटा है जो आपने जीएसटीआर 1 में प्रोवाइड किया है। और इन दोनों को मिसमैच ना होने के कारण, मींस आगे चल के कभी भी इन फ्यूचर में मिसमैच ना हो, जैसे बहुत सारी मिस्टेक्स अगर हमने देखी हो 2017 से लेकर टिल नाउ, बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी होती थी एनुअल रिटर्न फाइलिंग में, वो जाकर के जीएसटी पोर्टल ने, जीएसटी गवर्नमेंट ने पूरा उसे करेक्ट किया है। एनुअल रिटर्न इसीलिए लाया गया था, मेनली करेक्शन के लिए भी कई सारी चीजें लाई गई थी। सो आप उसका ध्यान रखते हुए जीएसटीआर 1 को और जीएसटीआर 3B को भर सकते हैं। बताना चाहूंगा ये कब से लागू हुआ है, ये आपका अगस्त की रिटर्न से आप लागू हो गया, मींस अभी तक अगर आपने, जैसा कि कोविड की सिचुएशन चल रही है तो आपने अभी तक अगर अगस्त की रिटर्न नहीं भरी है, ड्यू डेट एक्सटेंडेड है सारी, तो अगस्त की रिटर्न आप भर सकते हैं। और ट्राई करिएगा कि जिससे भी आप भरवाते हैं या भरते हैं तो उस मोड को यूज करें, जिससे काफी हेल्प होगी गवर्नमेंट को भी और आपको भी, बहुत ही कन्वीनियंट होगा कि आपको चीजें दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी, बाय मिस्टेक वो चीजें नहीं होंगी और एक बार में वन शॉट में आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अगस्त के बाद ये सारी चीजें रेगुलर ऑन हो जाएंगी और काफी अपडेट्स अभी जीएसटी में जो भी आने वाली है उसमें बात करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, बाकी जितनी भी अपडेट्स रेगुलर आती रहेंगी मैं उसके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको टैग बताया है, वर्क विद रंजन का आप #hashtag यूज कर सकते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे, टैक्स फॉर वेल्थ के यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी क्वेरीज से रिलेटेड आप मुझे पर्सनल मेल पे पिंग कर सकते हैं। मेल आईडी मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा,
ranjan.pathak@kgsm.in आप रीच करिए हमें, किसी भी सर्विसेज के लिए आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में मैं एक जीएसटी का कॉन्टेस्ट लेके आने वाला हूँ अपने साथ, अपने टीम के साथ, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होगा और बहुत ही चांसेस हैं आपको उसमें नॉलेज गेनिंग होगा, वो नॉलेज ट्रेनिंग पर्पस से होगा, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसमें कवर्ड होंगे और बहुत सारी चीजें, एक विनर भी ऑल इंडिया बेसिस पे अनाउंस किया जाएगा जिसको टैक्स फॉर वेल्थ की तरह से सर्टिफिकेशन तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, बट टैक्स फॉर वेल्थ की तरफ से आपको एक प्राइज भी प्रोवाइड किया जाएगा। पैंडेमिक सिचुएशन का ज्यादा से ज्यादा यूज उठाते हुए हमारे साथ बने रहिए। टैक्स फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।